ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया है। ईरान की न्यूज एजेंसी ने इसकी घोषणा की है। हालांकि ईरान की सरकार ने अब तक इसकी पुष्टि नहीं की है। देश में मेडिकल असिस्टेंट देने वाली रेड क्रिसेंट ने कहा कि हादसे में किसी की भी बचने की कोई भी संभावना नहीं है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में मौजूद विदेश मंत्री हुसैन अमीरुद्दीलाहियन की भी मौत की जानकारी दी गई है। इससे पहले उनके हेलीकॉप्टर का मलबा अजरबैजान की पहाड़ियों में मिला था। इसमें राष्ट्रपति रईसी समेत 9 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर रविवार शाम करीब 7 बजे अजरबैजान के पास लापता हो गया था। रात भर से इसकी तलाश की जा रही थी। इलाके में भारी बारिश, कोहरा और ठंड की वजह से सर्चिंग में दिक्कतें आई। उस दौरान 3 बचाव कर्मी भी गायब हो गए। राष्ट्रपति रईसी, विदेश मंत्री हुसैन के अलावा हेलीकॉप्टर में पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मलिक रहमती, तबरीज के इमाम मोहम्मद अली अले हाशिम, एक पायलट और को पायलट, क्रू चीफ, हेड ऑफ सिक्योरिटी और बॉडीगार्ड सवार थे। ईरान के एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रईसी 19 मई की सुबह अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ एक बांध का उद्घाटन करने गए थे। लौटने के दौरान अजरबैजान की सीमा के करीब ईरान के वर्जेघन शहर में यह हादसा हुआ था।